नमस्कार साथियों, मैं अमिता बिसेन, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोका नेवरा तिलदा, जिला रायपुर। आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, इसके पहले की क्लासेस में हम छत्तीसगढ़ का परिचय, उसका नामकरण, भौगोलिक स्थिति, यहाँ की क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के पांचवे अर्थात अंतिम यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज का, दक्षिण कोशल के कलचुरी वंश। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, दक्षिण कोशल। तो इस दक्षिण कोशल में कलचुरियों ने काफ़ी लंबे समय तक अर्थात 740 वर्ष तक शासन किया। आज हम उन्हीं कलचुरियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कलचुरी जो राजवंश है वो भारत में बहुत लंबे समय तक अर्थात 550 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी तक अर्थात इतने लंबे समय तक 1200 वर्षों तक भारत के किसी न किसी भाग पे कहीं ना कहीं पे शासन उन्होंने किया। संभवतः यह भारत का पहला राजवंश है जिसने लगभग 1200 वर्ष अर्थात इतने लंबे समय तक भारत में शासन किया। कलचुरियों की कई शाखा थी, खास तौर पर इसकी जो मुख्य शाखा थी वो महिष्मती एवं त्रिपुरी में थी। उन्हीं से त्रिपुरी से ही एक शाखा जो है वो छत्तीसगढ़ में आई। इसी का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। कलचुरी कालीन इतिहास जानने के स्रोत, आइए देखते हैं कि कलचुरियों के इतिहास को कैसे जानेंगे, कैसे पता चलता है कि कलचुरी कहाँ कहाँ पे थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो वो स्रोत को जानते हैं। सबसे पहले विष्णु पुराण पे आते हैं। तो विष्णु पुराण जो है इसमें कलचुरियों के वंश का उल्लेख है, अर्थात इससे पता चलता है कि कलचुरी शासक जो थे वो चंद्रवंशी थे, अर्थात चंद्र के वंशज थे। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंदर बरदाई ने की है, हम जब मध्यकालीन का इतिहास पढ़ते हैं, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसको चंदर बरदाई ने लिखा है। इसमें भी कलचुरी कालीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो बहुत से शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र हमें मिले हैं जिससे हमें कलचुरियों के बारे में, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के बारे में पता चलता है। रतनपुर, राजिम, मल्हार, खरौद, कोसगई, रायपुर, खल्लारी, इन स्थानों से हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं दक्षिण कोशल में कलचुरियों की स्थापना किसने की। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कलचुरियों के आदि पुरुष कौन थे। आदि पुरुष अर्थात जिसने कलचुरी राज्य की नींव रखी। तो कलचुरी वंश के जो आदि पुरुष थे उनका नाम था कृष्णराज। कृष्णराज ने 550 ईस्वी में, ध्यान रखिए आप पेंसिल और कॉपी, तो बिल्कुल पेंसिल या पेन और कॉपी सामने रखिए, क्योंकि जो मैं सन बता रही हूँ है ना, हमेशा इतिहास के स्टूडेंट्स का और दूसरे लोगों का भी यही मानना रहता है कि हमको सन याद नहीं है, तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठें और मैं जो सन बताने वाली हूँ और जो शासकों के नाम, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। वैसे तो ये PPT आपके पास है, परंतु फिर भी आपको याद रहेगा। तो मैंने बताया कि कलचुरियों के जो पहले शासक थे जिनको हम आदि पुरुष कहते हैं वो कृष्णराज थे, जिन्होंने 550 में 550 में माहिष्मती में कलचुरी राज्य की स्थापना की। इसी के पैरेलल अर्थात माहिष्मती में जो कलचुरी थे उनके ही पैरेलल एक त्रिपुरी में भी एक शाखा की स्थापना की। शाखा मतलब ब्रांच। त्रिपुरी शाखा के शासक जो कोक्कल देव हुए उनके 18 पुत्र थे। उनके 18 पुत्रों में सबसे बड़े शंकरगण द्वितीय, जिनको मुग्धतुंग भी कहा जाता था। तो यही शंकरगण द्वितीय ने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी शाखा की नींव रखी। अब जैसे देखिए मैंने कहा महिष्मती त्रिपुरी शाखा, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगा हुआ ही है। पहले आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो
राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो जागेगी ही साम्राज्य विस्तार के लिए। इसलिए शंकर गण द्विती ने छत्तीसगढ़ में जो उस समय छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोशल कहा जाता था, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया और उस समय दक्षिण कोशल के जो शासक थे वो विक्रमादित्य प्रथम थे जो कि बाण वंशी शासक थे। इनकी राजधानी पाली थी। शंकरगण द्विती ने विक्रमादित्य को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात उस जो क्षेत्र है पाली वाला क्षेत्र वहां से विक्रमादित्य को निष्कासित कर दिया और उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो तुम्मान को बसाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुम्मान जो है वो छत्तीसगढ़ में कलचूरी जो वंश है उसकी पहली राजधानी बनने का तुम्मान को गौरव प्राप्त हुआ है। अर्थात पहली राजधानी कौन सी थी? तुम्मान थी। शंकरगण द्वितीय जो है उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और उसी महत्वाकांक्षा के चलते वो वापस मध्य प्रदेश अर्थात त्रिपुरी चले गए। त्रिपुरी वापस चले गए और वो अपने जो छोटे भाई थे उनको दक्षिण कोशल का जो राज्य है वो सौंप के चले गए। इसी दौरान क्योंकि भाई थोड़े से कमजोर निकले और जो पुनः विक्रमादित्य जो हैं बाणवंशी शासक उन्होंने उसके भाई को हटा दिया और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु हम देखते हैं कि जो उड़ीसा के सोमवंशी शासक हैं उन्होंने अब जान चुके थे कि बाणवंशी जो है वो कमजोर हो चुके हैं तो बाणवंशी जो शासक हैं विक्रमादित्य उनको पराजित कर दिया। बाणवंशी जो शासक हैं उनको पराजित कर दिया और यहाँ पे सोमवंश की नींव रखी। अब देखते हैं कि अब जो त्रिपुरी के जो कलचूरी शासक थे वो उनको जैसे ही इस बात का आभास हुआ कि हमने तो छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कोशल को तो जीत लिया है परंतु ये सोमवंशी ने हमें निष्कासित कर दिया है तो हमें वापस जाना है वहाँ पे और अपने राज्य को वापस लेना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कलिंग राज ने पुनः यहाँ से सोमवंशियों को खदेड़ा भगाया और छत्तीसगढ़ में अर्थात दक्षिण कोशल में कलचूरियों की स्थायी सत्ता की स्थापना की। कलिंगराज जिन्होंने 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया इन्होंने तुम्मान को जो कि कोरबा वाले क्षेत्र में है तुम्मान को अपनी राजधानी बनाई। कलिंगराज का जो उल्लेख है वो पृथ्वीदेव प्रथम जो कि कलचूरी शासक होंगे उनके अमोदा ताम्रपद में इनका उल्लेख है। इसके अलावा जो अलबरूनी का नाम हम सब जानते हैं मध्यकालीन इतिहास में जब महमूद गजनवी भारत में आक्रमण किए थे तो उस समय अलबरूनी भी उनके साथ आए थे। तो अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में कलिंगराज का उल्लेख किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कलिंगराज ने चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। चैतुरगढ़ आप सभी जानते हैं, चैतुरगढ़ जो है उसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। तो यहीं पहाड़ियों के ऊपर जो है वो कलिंगराज ने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। कलिंगराज के पश्चात उनके पुत्र कमलराज 1020 से लेके 1045 तक छत्तीसगढ़ में कलचूरियों के शासक रहे। इस समय जो छत्तीसगढ़ में अर्थात दक्षिण कोशल में जो कलचूरी के शासक हुए उन्होंने त्रिपुरी से अपनी जो स्वतंत्रता है वो स्थापित नहीं की थी अर्थात अभी भी वो त्रिपुरी के शासकों के अधीन थे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जब कलचूरी शासक गांगेयदेव अर्थात त्रिपुरी के कलचूरी शासक गांगेयदेव इन्होंने उड़ीसा में अभियान किया और उड़ीसा के अभियान में कमलराज ने उनकी सहायता की, जिससे पता चलता है कि अभी भी जो छत्तीसगढ़ के कलचूरी शासक हैं वो त्रिपुरी शासकों के अधीन हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कमलराज के पुत्र रत्नदेव प्रथम जो है वो बहुत प्रतापी शासक थे। इन्होंने 1045 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किया। सन को आप बिल्कुल याद रखिएगा और नाम को भी आपको याद रखना है तो आप बिल्कुल लिखते रहिए बीच बीच में। रत्नदेव प्रथम जो है उन्होंने अपने नाम के ही अनुरूप अर्थात एक नगर बसाया जिसको रत्नपुर कहते हैं और कालांतर में इसका नाम जो है वो रतनपुर हो गया। तो इन्होंने रतनपुर को 1050 में अपनी राजधानी बनाई। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर रत्नपुर में महामाया मंदिर जो आज भी हजारों
छत्तीसगढ़ के हजारों हिंदुओं के आस्थाओं का प्रतीक है, तो यही महामाया मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया। और हम जाते भी हैं, जब भी नवरात्रि होता है तो हम रतनपुर के महामाया मंदिर में जरूर जाते हैं। तो वही महामाया मंदिर जो है उसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से मंदिर और तालाबों का निर्माण करवाया। तालाबों की अधिकता के कारण ही हम आज भी इसको तालाबों का नगर कहते हैं। और रतनपुर रत्नदेव के समय इतना समृद्ध था, इतना ज़्यादा यहाँ पे धन धान्य की भरमार थी कि इसे लोग कुबेरपुर की संज्ञा देते थे। रत्नदेव प्रथम का जो विवाह है वो कोमो मंडल प्रमुख वजू वर्मा की पुत्री नोनल्ला देवी से हुआ। अभी तक के सबसे प्रतापी शासक जो हमने पढ़ा उनमें से थे रत्नदेव, और उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति करने का प्रयास किया। तो इसके पश्चात हम आगे के जो शासक हैं उनके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं।